आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं इकबाल मर्डर केस के अंदर। जो इकबाल है उनके घर जिस तरीके से उस बच्चे की हत्या की गई और उसके लिए इंसाफ के लिए उसके माँ बापों का क्या हाल है, आज हम उसके घर बच्चे के घर पहुंचे हैं और उसके माँ बापों से आपको हम सीधी आपकी बात करा रहे हैं और उनके माँ बापों के ऊपर क्या बीत रही है ये आपको सामने दिखाएंगे। तो हमारे साथ उनके वालिद है, इनसे हम बात करेंगे और उनसे ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपके पास MLA वगैरह ये सब पहुंचे तो उनकी तरफ से इस केस के बारे में क्या अभी तक आपको सलाह दी गई है। सलाह भाई यही दी है, पुलिस प्रशासन ये सब बात हमारे जिस तरीके से इन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग कर रही है तो ये बड़ी अच्छी बात है। पुलिस प्रशासन ने पूरा तरीके से इनका साथ दिया। जिस तरीके से अभी बच्चे के लिए अब हम और हमारा चैनल हम हमारी तरफ से दुआ कर सकते हैं। अब जिस तरीके से आप चाहते हैं कि उस बच्चे के लिए उसके इंसाफ के लिए आपकी क्या मांग है? उसको सजाओ जल्द से जल्द, यही मांग है। जिस तरीके से यहाँ आप जो मुलजिम है वो फरार है उनको पकड़ा जाए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं उनके घर पे अड़ोस पड़ोस और मोहल्ले का आने जाने वालों का तांता लगा है, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ उनके दादा भी मौजूद हैं, जो जरा उनसे भी हम पूछेंगे कि तब जिस तरीके से आपके पोते की हत्या हुई है आप उसके लिए क्या सरकार से मांग करना चाहेंगे, उसके हत्यारों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? इस तरीके से इन्होंने मांग करी है कि साहब उनको भी सख्त से सख्त फांसी की सजा दी जाए। और जिस तरीके से हमारे साथ और भी लोग हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि पुलिस प्रशासन की तरफ से उनके पास में कोई आगे की गाइडलाइन या उनको कुछ चीजें बताई गई है, तो पुलिस प्रशासन ने आपको इस बारे में क्या कार्रवाई चल रही है, अभी तक की क्या अपडेट है पुलिस की तरफ से उन मुलजिमों के खिलाफ, कुछ बताया आप लोगों को? ये बता, पुलिस वालों के बहुत अच्छे सहयोग कर रहे हैं हमारे सारे पूरे प्रशासन, पूरा सहयोग है हमारा। आगे जाके के लिए हम अरेस्ट करके उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे और आगे भी उम्मीद रहेगी उनकी। दूसरे अपराधी जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने पूरा सहयोग इस परिवार के लिए दिया है और होना भी चाहिए, पुलिस प्रशासन का जनता के लिए भरोसा जरूरी है। अब जिस तरीके से आप यहाँ आए हैं और इकबाल का मर्डर जिस तरीके से हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और उसके लिए क्या आप चाहते हैं? देखिए साहब, ये बहुत दिनों से हरकत हुई है, इस बात के लिए हम पूरा जयपुर ही शर्मिंदा है, हमारे सारे लोग शर्मिंदा है। हम किसी विशेष धर्म को कुछ नहीं कहते, हमारे को तो ये पता चला जबकि हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो गया है तो हमें बड़ा गम हुआ इस बात का। और हम ये चाहते हैं कि जो मुलजिम है इसके अंदर पुलिस जल्द से जल्द उनको पकड़े और उनको पकड़ के जल्द से जल्द उनको सजा हो, फांसी की सजा होना चाहिए। ऐसे खतरनाक मुजरिमों को छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि उन लोगों ने जो किया है वो बहुत नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन हमने इसकी इतनी इतनी कोशिश करी है साहब कि जहां तक हो सके कि प्रशासन ने हमारा पूरा सपोर्ट किया है, प्रशासन ने हमारे को हर तरह का सहयोग दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद कहना चाहेंगे प्रशासन को। और हम तो ये चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द न्याय मिले इन लोगों को। जिस तरीके से देखा मृतक के परिवार और यहाँ की जनता ने पुलिस प्रशासन को काफी धन्यवाद के तौर पर उनकी सराहना की है, पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से इन लोगों का और इस केस के लिए पूरी सतर्कता दिखाई और जिस तरीके से प्रशासन मुस्तैद है और लगता है कि शायद अगर आगे जाके इस पे कोई कार्रवाई होती है, जिस तरीके से आज हम इन परिवार के साथ हैं हम ये चाहते हैं कि आगे जाके ये ही हादसा किसी और परिवार के साथ ना हो, चाहे वो किसी जाति धर्म विशेष के हो चाहे किसी भी समाज का हो। जिस तरीके से ये मर्डर हुआ चाहे आप जनता से क्या कहना चाहेंगे कि ये आगे जाके किसी और के साथ ना हो? आगे जाके किसी और के साथ नहीं हो, ऐसा कुछ इंतजाम हो इंतजाम करे सरकार। आपकी क्या राय है? इसको उनको आगे से आगे पकड़े या जल्दी से जल्दी और कुछ जल्द से जल्द सजा दे, और लोगों के साथ इतनी हिम्मत नहीं हो कि और ये मुसलमान हो हिंदू हो कोई सा भी भाई मतलब उनके साथ नहीं हो।
किसी भी समाज का हो, बच्चा किसी का भी हो, बच्चा बच्चा ही होता है, जिसका मरता है दर्द उसको होता है। आप लोगों से विनती है कि राजनीति चालू हो चुकी है, राजस्थान में दस्तक आ चुकी है, इस चीज को गौर रखते हुए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। राजस्थान के अंदर ये राजनीति मुद्दे हैं, हमें अपने बच्चों को और हमें खुद हमें बचाना है। जिस तरीके से राजस्थान में इलेक्शन चालू हो चुके हैं और उसी बीच में ये दर्दनाक हादसा हुआ, तो इसके बारे में जिस तरीके से क्या करना चाहिए? इसके बारे में पुलिस प्रशासन का हमारा पूरा सहयोग दिया, पुलिस प्रशासन ने हमारे का उनका आभारी है और मुख्यमंत्री साहब का आभारी है। और जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, तो इसमें सरकार की तरफ से क्या कोई कानून की व्यवस्था होनी चाहिए? इसमें पूरी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। और हम ये चाह रहे हैं कि आज एक बेटा गया है और दूसरी माँ के बेटे नहीं जाएं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सब भाई हैं, लेकिन ये जो मुजरिम है इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और आगे भी इनके ऊपर पूरी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आज एक माँ रो रही है कल दूसरी माँ नहीं रोए, आज एक बाप रो रहा है कल दूसरा बाप नहीं रोए, इनके खिलाफ पूरी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा यही सहयोग है। जिस तरीके से देखा प्रशासन की तरफ से कोई कोताही नहीं बरती गई है इस केस के ऊपर, और राजस्थान में आने वाले टाइम पे किसी परिवार का घर ना उजड़े, सरकार इसके ऊपर कोई सख्त कदम उठाए। मैं मोहम्मद नफीस फहद, कैमरामैन जयपुर से।